हे hey, दोस्तों कैसे हो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर कारों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद आपको पता नहीं हो अब दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि दोस्तों अब जो है हमारे चैनल में वन के सब्सक्राइबर्स है तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जो पहला फैक्ट है वो है अबाउट द इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैचबैक ਕੁੜੀ ਕੈਂਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਗ ਨਾਰ ਲੈ ਲਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਬਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ मारुति सुजुकी वेगोनार अब दोस्तों ये गाड़ी जो है हमको सड़क पे चारों तरफ सिर्फ यही गाड़ी दिखती है ओला उबे हर कोई टैक्सी सब में जो है आपको यही गाड़ी देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है कि वेगोनार के लास्ट में जो एक आर आता है उसका असली मतलब क्या है अब दोस्तों मैंने जो है कुछ लोगों को पूछा था मैंने लगभग पांच लोगों को पूछा था और उनमें से तीन लोगों ने मुझे आंसर दिया रेसिंग आई वॉज लाइक द फक मैन तुम लोग जो है वेगोनार को रेसिंग से एसोसिएट कर रहे हो किस एंगल से गाड़ी जो है रेसिंग वाली लगती है यार मुझे एक बार कॉमेंट करके जरूर जिसको भी लगता है कि आर का मतलब रेसिंग है लेकिन दोस्तों जो आर का असली मतलब है वो है दोस्तों रेवोल्यूशन या फिर रिलैक्सेशन अब दोस्तों रेवोल्यूशनरी गाड़ी तो मुझे वो इतनी ज्यादा नहीं लगती लेकिन दोस्तों रिलैक्सेशन के बारे में ये कहना पड़ेगा कि आज भी उस बजट में वेगोनार सबसे ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ियों में से एक है सो so, डेफिनेटली जो पहला फैक्ट था वो था मारूती वेगोनर के बारे में जिसमें जो है लास्ट का आर जो शब्द है उसका मतलब है रिलैक्सेशन या फिर रेवोल्यूशन दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो है दोस्तों भारत की सबसे पहली जिसको हम कह सकते हैं मेरी सबसे पहले आज भी की पहली पसंद मारुति सुजुकी जेन की जी हाँ दोस्तों हमने जो है जेन को कई बार देखा है मॉडिफाइड जेन टायर बड़े वाले जेन टच स्क्रीन वाले जेन लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है कि जेन शब्द का जो मतलब है या फिर जेड ई एन उसका फुल फॉर्म क्या है नहीं सोचा होगा दोस्तों मैं आपको बताऊ जेन शब्द का जो मतलब है वो है जेड मतलब जीरो ई e मतलब इंजिन और एन मतलब नॉइज यानी जेन का मतलब है जीरो इंजिन नॉइज अब दोस्तों अगर आप कभी भी जेन में बैठे हो कभी भी आपने जेन चलाया है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जीरो इंजिन नॉइज जो है इस तम को हम जेन के साथ सही में एसोसिएट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो है जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं उसके बारे में जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स की रेवोल्यूशनरी हैचबैक टाटा टियागो की दोस्तों क्या आपको बताया कि टाटा मोटर्स जो है टियागो का नाम टियागो रखने से पहले इसका नाम उन्होंने जिका रखा था आज भी दोस्तों अगर आप इसके रिव्यूज देखोगे आप जो है ऑटो कार का रिव्यू देख लीजिए या फिर जो है जिग व्हील्स वगैरह की रिव्यू देख लीजिए वहां पर जो है आपको इस गाड़ी को जो है लोग जिका कहकर पुकार रहे हैं अब दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों टाटा मोटर्स ने जो है इस गाड़ी का नाम पहले रखा था जिका लेकिन दोस्तों फिर उनको लगा कि शायद ये नाम जो है लोगों को जिका वायरस की याद दिला दे अब दोस्तों गाड़ी का नाम था जिका जेड आई सी ए लेकिन दोस्तों जो वायरस था वो था Z -I -K -A. तो दोस्तों ताकि जो है लोगों को उस वायरस याद ना इसीलिए जो है दोस्तों टाटा मोटर्स ने गाड़ी का नाम चेंज करके जिका को चेंज करके टियागो रखा अब दोस्तों टियागो रखने के पीछे भी जो है रीजन है जी टाटा मोटर्स ने जो है एक पब्लिक पोल किया था जिसमें जो है टियागो के नाम को सिलेक्ट करने का मौका था आप और हमारे पास तो दोस्तों तीन थे, थे, -E तो तो तीनों में से जो है हमको चूज करना था कि इस हैचबैक का नाम क्या होना चाहिए दोस्तों तो तो बहुत सारे लोगों ने वोट किया टियागो के लिए सो डेफिनेटली फिर टाटा मोटर्स ने जाके इस गाड़ी का नाम टियागो रखा दोस्तों जो अगला फैक्ट है वो है अबाउट दी मारुति सुजुकी 800 अब दोस्तों ये गाड़ी जो है भारत में इसने एक चर्चा राजसा किया है ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा भारत में जो आज तक कभी मारुति 800 को ना देखा हो या फिर ना उठा हो अब दोस्तों इस गाड़ी का जो है एक फैक्ट है जिसको सुनकर आप बिल्कुल चौक जाओगे जी हाँ दोस्तों गाड़ी में जो है स्पीडोमीटर होते हैं लेकिन दोस्तों स्पीडोमीटर में जहां तक स्पीड लिखे रहते हैं फॉर एग्जाम्पल टियागो में जो है स्पीडोमीटर में स्पीड है दो किलोमीटर पर आवर तक लिखा हुआ है लेकिन दोस्तों गाड़ी दो किलोमीटर तक नहीं जाती वैसे ही दोस्तों कोई भी गाड़ी जहां तक उसके स्पीडोमीटर स्पीड स्पीड था एक सौ चालीस किलोमीटर दोस्तों उसकी टॉप स्पीड थी वन फोर्टी फोर किलोमीटर पर आवर चौक गए ना अब दोस्तों हमारे पास भी जो है एक मारुति सुजुकी एट हंड्रेड थी और उसमें एसी नहीं था और दोस्तों हालत बिल्कुल ऐसी होती थी आप एक बार पसीना चेक करो यार दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करे नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन डिसलाइक करते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया बाकी आप अगले वीडियो तक हेलमेट पहने सीट बेल्ट पहने अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे एम्बुलेंस को रास्ते में साइड दे बंदे मातरम भारत माता की जय